प्रदेश में पहले भी विधायकों को विधायक निधि मिलती रही है और उन्हें भी अपने कार्यकाल का हिसाब जनता को देना चाहिए। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक महेश्वर सिंह उनसे उनकी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी मांग रहे थे, जबकि इस जानकारी को वह जनता के बीच कई बार दे चुके हैं। पूर्व विधायक को वर्तमान प्राथमिकताओं की जानकारी चाहिए तो उन्हें भी अपने कार्यकाल का हिसाब जनता को देना चाहिए। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि महेश्वर सिंह एक उम्र दराज नेता हैं और अब उन्हें आराम करना चाहिए। पूर्व में भी विधायक निधि मिलती थी, बात मेरा एकमात्र प्रश्न कुल्लू की जनता पूछ रही सभा में मिलते थे। अभी प्रतिभा सिंह जी बनी, उन्होंने मुझे कुल्लू विधानसभा का 30 लाख दिया और 5 लाख और दिया, 35 लाख रुपए दिया अभी उन्होंने बन के सांसद। लेकिन पूर्व में ये सांसद और जो विधायक रहे हैं वो अपने 45 साल का हिसाब पूछेंगे तो बहुत लंबी एक जो है बात बन जाएगी। वो 45 साल का पहले हिसाब दें। उनके वक़्त भी ये प्रावधान था कि महिला मंडल को प्रोत्साहन मान सम्मान राशि दी जा सकती है। पूछिए कि उन्होंने कहाँ डाली और वो पैसा विधायक निधि का कुल्लू शहर में जंजगर के लिए क्यों नहीं दिया, सभी जंजगरों के लिए क्यों नहीं। तो जैसे मैं रूपी सदन बना रहा हूँ, जैसे मैं लग सदन बना रहा हूँ, जैसे खोखन सदन बना रहा हूँ, जैसे कोटकंडी सदन बना रहा हूँ, क्यों नहीं इन भवनों के लिए पैसा दिया, क्यों नहीं जो देवताओं के परिसरों के लिए पैसा दिया, जैसा मैं अभी बांट रहा हूँ देवताओं के परिसरों को उभारने के लिए, क्यों नहीं पंचायतों को पैसा दिया गया। मैंने तो सारा लिखा जोखा आपको विद प्रमाण दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और मुझे वो एक मैं तो कहूँगा कि उम्र दराज व्यक्ति है, मैं ज़्यादा उनको कहना भी नहीं चाहता हूँ। वो ऐसी उम्र में जबकि आराम करना चाहिए, नए नौजवान पीढ़ी को आगे देना आने देना चाहिए, वो बेकार की ऐसे प्रश्न खड़ा करके अपने आप पे एक सवालिया निशान लगा रहे। उज्जवल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।